पाठ हम पढ़ने वाले टीथ, टीथ बोले तो दांत। तो सबसे पहली बात यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये दांत है तो टूथ यानी दांत की स्टडी को, टीथ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो टीथ की स्टडी को यदि आपसे पूछा जाए क्या बोला जाता है तो इसे ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी, और जो टीथ की इलाज करते हैं उसे ओडेंटोलॉजिस्ट के नाम से हम जानते हैं, जो हमारे दांतों का इलाज करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा कि ये जो हमारे दांत होते हैं ये एक एडल्ट पर्सन के अंदर, एक एडल्ट पर्सन के अंदर इन दांतों की संख्या होती है 32, लेकिन ये 32 के 32 दांत जो हैं वो हमारे एडल्ट के अंदर चार अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। उन चारों का नाम क्या है मैं एक एक बता देता हूं। सबसे पहले दांत को हम बोलते हैं बेटा इनसीजर, इनसीजर के नाम से हम इसे बुलाते हैं, या हिंदी में इसका नाम है कृंतक, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कृंतक। दूसरा इसके बाद है बेटा केनाइन, इसके बाद जो अगला दांत का नाम है बेटा वह है केनाइन, इसे हम बोलते हैं रदनक। और तीसरा इसके बाद जो हमारा दांत है बेटा, तीसरे टाइप के दांत को बोला जाता है प्रीमोलर, तीसरे प्रकार के दांत को बोलते हैं प्रीमोलर, या हिंदी में इसे अग्रचेवर्णक के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद आता है हमारे लास्ट टाइप का दांत जिसे हम बोल देते हैं मोलर, या जिसे हम बोलते हैं चेवर्णक, इसे हम बोलते हैं चेवर्णक। अब ये जो चार प्रकार के दांत मानव के मुंह के अंदर होते हैं इन चारों दांतों का क्या क्या काम है बेटा ये तो आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो दांत है इनसीजर, अब इसके अंदर एक वर्ड आए सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची, और कैंची का काम होता है काटना। तो हमारे जो इनसीजर दांत होते हैं, इनसीजर दांत का काम होता है भोजन की कटिंग करना, भोजन को काटना, भोजन की कटिंग करना, भोजन को काटना। अब भोजन को इनसीजर ने बेटा काट दिया, लेकिन कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिन भोजन को हमें काटना नहीं चीर फाड़ करना होता है। तो जिस भोजन का हम चीर फाड़ करते हैं यानी उसकी टीयरिंग करते हैं, तो टीयरिंग करने में, चीर फाड़ करने में जो हमारा दांत रोल प्ले करता है उसका नाम है केनाइन, अभी मैं बताऊंगा किस में ये होता है। और प्रीमोलर का काम होता है बेटा ग्राइंडिंग, इसका काम है भोजन को अच्छे तरीके से पीसना, इसका काम है भोजन को अच्छे तरीके से पीसना। और लास्ट में जो है मोलर, इसके काम होता है एक तो जो ग्राइंडिंग, एक तो इसका काम है ग्राइंडिंग जो इसने पीसा है, और पीसने के साथ साथ एक चीज और काम करेगा सलाइवा में, ये उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देगा बेटा, मिक्सिंग, मिक्स कर देगा सलाइवा में अच्छे तरीके से उसको मिला देगा, और मिलाने के बाद जो बोलस भोजन हमारे मुंह के अंदर बना है उस बोलस को पहुंचा देगा हमारे कहां इसोफेगस में, और उसके माध्यम से ये कहां हम निगल लेंगे अंदर की तौर अपनी अपनी स्टोमेक के अंदर। तो इतनी बातें आप सभी लोगों को याद रखना कि चार प्रकार के दांत होते हैं किसी भी एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में, बट वयस्क व्यक्ति के शरीर में मैंने बोला 32 दांत, आपने बताया सर चार दांत, तो बेटा ये चार दांत नहीं है, ये चार टाइप के दांत है। अब कौन कौन से दांत कितने कितने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इंसीजर की बात करें तो इंसीजर दांतों की संख्या होती है 8, और ये दांत चार और चार में बटे हुए हैं बेटा, चार और चार में बटे हुए हैं। इंसीजर दांत कौन है, जिससे काटने वाला दांत होता है, जैसे आप सेब खाते हो, एप्पल खाते हो, तो आपने देखा होगा सीधा उसे जी में रखा हम ऐसे काटते ना, जो आगे के ये दो हमारे जो आगे के चार दांत दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 दांत, इन चारों दांतों से हम सेब को काटते हो, तो सेब को जो जिस दांत से आप काटते हो उसी दांत को हम बोल देते हैं इनसीजर। और ये इनसीजर होते हैं 8, 4 ऊपर वाले जो में जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में, तो 4+4 हो गया 8। इसी दांत को हम बोल देते हैं स्माइलिंग टीथ, इसी दांत को हम बोलते हैं हंसने वाले दांत। कहोगे सर क्यों, क्योंकि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर हंसता है या आप उसके ऊपर हंसते हो तो आप सीधा कर देते ही, इसका मतलब जैसे आप ही करते हो तो आपके ये चार दांत उसे दिखाई दे जाते हैं,
इसलिए हम इसे स्माइलिंग टीथ या हंसने वाले दांत भी बोल देते हैं। अब बढ़ जाते हैं बेटा आगे, इसके बाद है अगला केनाइन। तो यदि मैं बात करूं किसकी, केनाइन की, तो जो केनाइन दांत है इसकी संख्या कितनी बेटा, एक इधर एक इधर। ये जो हमारे एक दो तीन चार दांत हैं, इन चारों दांतों के एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी यदि मैं बात करूं इंसीजर के बाद कौन से, इंसीजर के बाद कौन से दांत आते हैं, तो एक ये जो नुकीला वाला दांत है और एक ये जो नुकीला वाला दांत है, तो दो नुकीले दांत ऊपर है और दो नुकीले दांत नीचे है बेटा। दो नुकीले दांत ऊपर और दो नुकीले दांत नीचे हैं, तो दो प्लस दो इनकी संख्या होगी मेरे बच्चों चार। अब और इनका काम क्या है, तो इनका काम है चीरफाड़ करना। यदि मेरे बच्चों आप चिकन खाते हो, यदि आप नॉनवेज हो, नॉनवेज खाते हो, तो आपने देखा ना चिकन को लिया ऐसे खींच के खाते ना, तो इन दांतों से हम चीरफाड़ करते हैं। या आप सर्दियों के दिनों में गन्ना तो खाते होंगे, तो आपने देखा होगा गन्ने को हम जब फाड़ते हैं तो कहाँ से, इस कोने वाले भाग से। ये जो हमारे चीरफाड़ करने वाले दांत हैं, इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या चार, एक दो तीन चार, टोटल कितनी संख्या है चार। अब बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम है मेरे बच्चों उसे पीसना। प्रीमोलर का काम क्या है भाई, तो प्रीमोलर का काम है भाई पीसना, ठीक है, प्रीमोलर का काम है पीसना। तो अब ये पीसने के लिए इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है आठ। अब ये आठ दो भागों में बटा हुआ है, चार और प्लस चार हो गया आठ। अब याद रखना, मैंने बोला कि सबसे पहले चार दांत जो है बेटा ये है हमारे पास इंसीजर, उसके बाद जो दो दांत है ये है हमारे पास केनाइन, और इस केनाइन के बाद जो दांत हमारे पास चार इधर और चार इधर है, उनको बोला जाता है बेटा प्रीमोलर, जिसका काम है भोजन को अच्छे तरीके से पीसना। और पीसने के बाद अब आता है मोलर। तो इस मोलर का काम क्या है बेटा, उस पीसे हुए भोजन को और बारीकी तरीके से पीस करके उसमें सलाइवा को मिक्स करना, लार को मिक्स कर देना। तो लार को मिक्स करने के बाद इनकी संख्या होती है मेरे बच्चों कितना, 12। तीन इधर तीन इधर, तीन और तीन छह, तीन इधर तीन इधर, छह और छह कितने हो गए 12। तो इनकी संख्या होगी बेटा तीन और तीन, यानी छह ऊपर वाले जबड़े में और छह नीचे वाले जबड़े में, तो टोटल संख्या कितनी होगी मेरे भाई, तो टोटल संख्या हो गई 12। तो इस तरीके से हमारे चार प्रकार के दांत इस चार भागों में बटे हुए हैं। अब मैं इनकी संख्या बता देता हूं कि कौन सा कहां होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारे ये मसूड़ा है, एक मसूड़ा ऊपर की ओर, एक मसूड़ा नीचे की ओर होता है बेटा। जो ऊपर वाला ये मसूड़ा है, जो गम है, ये एक बोन से, एक हड्डी से जुड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं मैक्सिलरी, इसको मैक्सिलरी बोन बोलते हैं, या इसे हम मैक्सिबुलर बोन यहां बोलेंगे। इसे हम कौन सा बोन बोलेंगे, मैं केवल ऊपर वाला ही बना रहा हूं, इसे हम बोलेंगे मैक्सिबुलर बोन, इसे बोलते हैं मैक्सिबुलर बोन, और उसी से बना है मैक्सिबुलर जॉ, यानी मैक्सिबुलर जबड़ा। अब इस मैक्सिबुलर जबड़े में बेटा ये कहां कहां और कैसे कैसे होगा, तो उस चीज को मैं बताता हूं। एक मिनट देखूं, यदि मेरे पास रेड कलर हो तो उस रेड कलर को यूज करते हैं हम। चलिए मेरे भाई, रेड कलर अभी यहाँ है नहीं, तो मैं इसी कलर से इसको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये हमारा ये पहला दांत, ये दूसरा दांत, ये तीसरा दांत, और ये हमारा चौथा दांत। ये चारों के चारों जो दांत हैं, इन चारों दांत को हम बोल देते हैं I4 इंसीजर। फिर इसी के बाद यहां पर जो एक नुकीला दांत आपको मिलेगा ऐसे, और ये नुकीला दांत जो मिलेगा ऐसे, इन नुकीले दांत को बोलते हैं केनाइन, इन नुकीले दांत को बोलते हैं केनाइन। इसके बाद जो दांत आते हैं बेटा, उसके बाद दांत हमारे कितने आ जाएंगे, तो दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे, चार। इसके बाद अगला हमारे पास जो दांत है, इसका नाम है बेटा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रीमोलर। तो ये दो और ये दो, ये प्रीमोलर हमारे इधर हो गए। इसके बाद यदि मैं बात करूं मोलर की, तो मोलर हमारे पास तीन इधर हो जाएंगे, ये पहला दांत, ये दूसरा दांत,
और ये तीसरा दांत, इधर भी ऐसे हो जाएंगे, पहला दांत, ये दूसरा दांत और ये तीसरा दांत। तो टोटल इनकी संख्या कितनी होगी बेटा, ये संख्या इनकी तीन, और ये तीनों की तीनों संख्या है, और ये तीन, ये जो तीन है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, इन दोनों को हम बोलेंगे प्री मोलर और इन तीनों को बोलेंगे मोलर, ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे प्री मोलर और इन तीनों को बोलेंगे मोलर। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो मैक्सिबली, हमारी जो मैक्सिबुलर जो है, ऊपर वाली जॉ को मैक्सिबुलर बोलते हैं और नीचे वाली जॉ को बोलते हैं मैंडिबुलर जॉ। मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर जॉ, मैंडिबुलर जबड़ा। तो ऊपर वाले को हमने बोला मैक्सिबुलर और नीचे वाले को बोला मैंडिबुलर, क्योंकि ये मैक्सिबुलर बोन होता है और ये मैंडिबुलर बोन होता है, इसी से ये जुड़े बने। तो आपने देख लिया कि दांत हमारे मुंह में कौन से दांत कहां कहां होते हैं, ये अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा मेरे बच्चों कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और ये दांत हमारे मुंह में कैसे होते हैं। तो दांत ऊपर हो गए 16, ऊपर कितने हो गए बच्चे 16, और नीचे कितने हो जाएंगे 16, तो 16 में 16 को जोड़ा तो कितने हो गए 32। देखो चार दांत ये हो गए और दो यहां दे दोगे 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, तो 16 दांत है ऊपर और 16 दांत है नीचे। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके आगे की कुछ बातों को सीखते हैं जो दांत के अंदर हमारे एग्जाम में प्रश्न जैसे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तो मैंने ये बात जो की थी वो एडल्ट की की थी बच्चों, कि एक एडल्ट के मुंह में कितने दांत होते हैं और कौन कौन से दांत होते हैं, किसका क्या काम है, ये शायद मैंने आपको बताया था। लेकिन यदि मैं पूछूं कि जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में कौन से दांत होते हैं और कितने दांत होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे बच्चे। तो बच्चों के मुंह में कौन सा दांत होता है, कितना दांत होता है और कौन से दांत नहीं होते, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। तो यदि मैं बात करूं चाइल्ड की, यदि मैं किसकी बात करता हूं मेरे बच्चे, यदि मैं बात करता हूं चाइल्ड की, यदि मैं बात करता हूं चाइल्ड की, चलिए बेटा तो अब हम उसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो दूध के दांत होते हैं जिसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, तो दूध के दांत कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम आज यहां पर सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूध के दांत की संख्या होती है 20, और ये दूध के दांत जो चार भागों में बटे होते हैं वो किस किस तरीके से, तो सबसे पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों मोलर। इंसीजर की संख्या बच्चों के अंदर भी कितनी होती है, तो याद रखना इंसीजर की संख्या बच्चों के अंदर भी होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार ऊपर वाले जो में, चार नीचे वाले जो में, तो टोटल संख्या हो गई 8। केनाइन की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलना सर 4, एक इधर 2, 2 ऊपर वाले जो में, 2 नीचे वाले जो में, 4। प्री मोलर की संख्या इनके दांतों में होती ही नहीं है, और मोलर की संख्या की बात करें तो मोलर इनके दांतों में होता है बेटे 8। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि बच्चों के मुंह में प्री मोलर नहीं होता, बच्चों के मुंह में याद रखना अग्रचेवर्णक दांत नहीं होते, अग्रचेवर्णक दांत नहीं होते, ये बात आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा है, दांत नहीं होते हैं, ये बात याद रख लेना। तो ये 20 दांत कुछ इस तरीके से बटा हुआ है चार भागों में। अब इसके बाद एक दूसरी बात और बताऊं कि बेटा हमारे शरीर में दांत कितने बार आते हैं, तो हमारे शरीर में दांत जो आते हैं बेटा वो 2 बार आते हैं, ठीक है, एक बार बचपन के दूध वाले दांत होते हैं और दूसरे बार जो दांत आते हैं वो फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आते, वो एक ही बार आते हैं।
तो दो बार दांत हमारे कितने आते हैं, 20 दांत आते हैं, जिसे हम बोलते हैं दूध के दांत। और इसके अलावा एक बार यदि आपसे पूछा जाए दांत कितने आते हैं, तो एक बार जो दांत आते हैं उनकी संख्या है 12, तो टोटल 20 और 12 हो गया 32। तो 12 दांत पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए दांतों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे दिन एक दिन में कम से कम दो बार ब्रश जरूर करें। और मेरा मानना यह बेटा कि सुबह आप ब्रश सही से ना करो तो चल जाएगा, लेकिन रात को खाना खाने के बाद ब्रश को सही तरीके से जरूर करें, क्योंकि वो ही चीज आपके दांतों में फंस कर करके लंबे समय तक जब आप सोते हो तो आपके दांतों में सड़ने और गलने से आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो दिन को ब्रश ना करो सही तरीके से तो काम चल जाएगा, बट रात में सोते समय ब्रश जरूर करना चाहिए, जो नहीं करते हैं, जो दांत का मेन कारण है सड़ने का। अब यहां पर एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं दंत फार्मूला या डेंटल फार्मूला। कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा डेंटल फार्मूला। अब यदि मैं डेंटल फार्मूला बोल रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ऐसा सूत्र नहीं है जो फार्मूले आप लोग फिजिक्स वगैरह में लागू करते हो, डॉक्टर इसका यूज करते हैं। दंत सूत्र कैसे, तो दंत सूत्र में दोनों के लिए बता रहा हूं, एक एडल्ट के लिए क्योंकि दोनों में दांतों की संख्या अलग अलग है, और एक दूसरा चाइल्ड के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारा ऊपर वाला कौन सा बोन था, आपको पता है मैंने ये बताया है, तो इसे बोला था मैक्सिबुलर बोन, नीचे वाले को बोला था मैंडिबुलर बोन। ऊपर मैक्सिबुलरी बोन और नीचे मैंडिबुलर बोन होती है, जिसमें हमारे ये मसल्स जते होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं मैक्सिबुलर जॉ और मैंडिबुलर जॉ। तो इस मैक्सिबुलर जॉ और मैंडिबुलर जॉ को एक बार ऐसे और एक बार ऐसे में क्रॉस कर रहा हूं, तो देखो एक बार ऐसे क्रॉस करूंगा, एक बार ऐसे क्रॉस करूंगा, तो ये कितने भागों में बट गया होगा बेटा, 1, 2, 3, 4 हिस्सों में बट गया। तो मैंने इसको चार हिस्सों में बांट दिया मेरे प्यारे दोस्तों। अब चार हिस्सों में बांटने के बाद अब आप लोगों को पता करना है कि एडल्ट के अंदर एक भाग में कितने दांत होते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि दो दांत होते हैं हमारे, क्या, तो दो दांत हमारे होते हैं बेटा इंसीजर, और उसके अलावा 1, 2, 3, 4 यानी एक दांत होता है हमारा केनाइन, और इसके अलावा फिर दो दांत होते हैं हमारे प्री मोलर, और उसके बाद तीन दांत होते हैं हमारे पास मोलर। तो 2, 1, 2, 3 इधर भी होगा, 2, 1, 2, 3 इधर भी होगा, 2, 1, 2, 3 इधर भी होगा, 2, 1, 2, 3 इधर भी होगा। इस वाले दांत को हम बोल देते हैं क्या बेटा, इंसीजर। इस वाले दांत को हम क्या बोलते हैं सर, केनाइन। इस वाले दांत को बोलते हैं प्रीमोलर। इस वाले दांत को बोलते हैं मोलर। तो अब देख लो बेटा ये फार्मूला बना है, अब यहां से मुझे इसका फार्मूला बनाना है। तो कैसे इसका फार्मूला बनेगा वो देखो भाई ध्यान से यहां पर, कि यदि मैं डेंटल फार्मूला बनाऊं तो मैंने आपको बताया पहले इंसीजर, फिर उसके बाद केनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर, और फिर उसके बाद हमारा मोलर रहेगा। तो इंसीजर की संख्या 2, 1, 2, 3 और नीचे वाले बोन में 2, 1, 2, 3। ऊपर और नीचे टोटल कितने हैं बेटा, तो ऊपर और नीचे दो मसूड़े हैं, इसलिए हमने दो से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर आ गया 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 हो गया 8, और नीचे भी हो गया हमारा बेटा 8। अब आप लोगों को पता 8 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 8 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 16, और नीचे भी आ गया 16, यानी 16 और 16 जोड़ेंगे तो टोटल कितने दांत हो जाएंगे, 32 दांत हो गए बेटा किसी एडल्ट पर्सन के अंदर। तो एडल्ट पर्सन का डेंटिस्ट फार्मूला, डेंटल फार्मूला पूछे तो बोलना 2, 1, 2, 3 डिवाइड बाई 2, 1, 2, 3 इंटू में कितना 2। अब ये फार्मूला यदि लागू किया जाए चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड के लिए कैसा होगा बेटा ये फार्मूला, तो फिर से मैं वही बात करूंगा कि ये चाइल्ड का ऊपर वाला बोन है और ये चाइल्ड का नीचे वाला, ऊपर को मैक्सिबुलर नीचे को मैंडिबुलर, फिर मैंने इसको चार भागों में बांट दिया। अब यहां पर ध्यान से देखो इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 2, एक इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, कितनी हो गई बेटा 8। अब केनाइन की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4। और यदि मैं बात करूं प्रीमोलर, तो सर प्रीमोलर है ही नहीं, अगर प्रीमोलर ही नहीं है तो उसकी संख्या होगी 0, और ये कितना है 8, तो 2 इधर हो जाएगा। फिर इसका फार्मूला निकालोगे डेंटिस्ट फार्मूला, तो बोलोगे सर यहां पर सबसे पहले इंसीजर, फिर उसके बाद केनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर, और फिर उसके बाद मोलर। अब यदि मैं इसकी संख्या लिखूं तो देखो आपको पता है कि ये 2102, और नीचे भी हो जाएगा 2102,
दो हमारे पास जबड़े हैं, तो इसलिए हमने इसको दो से ऊपर गुना कर दिया बेटा। अब ऊपर कितना आ गया, 5 टू जा हो गया 10, नीचे 5 टू जा हो गया 10, 10 में 10 को जोड़ा तो टोटल कितने हो गए, 20 दांत हो गए। टोटल कितने हो गए बच्चे, 20 दांत हो गए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेंटल फार्मूला क्या होता है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है एज अ चाइल्ड के लिए और एज अ एडल्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए अब दांतों से रिलेटेड कुछ और स्पेशली बातें हम इसके आगे करते हैं बच्चों। चलिए भाई, चलिए मेरे बच्चे, तो अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, जो कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना मेरे बच्चे। यदि मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि मानव के जीवन में दांत कितने बार आते हैं, तो सर 2 बार आते हैं, एक दूध के दांत और जब दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद दूसरे दांत आते हैं, तो टोटल कितने बार दांत आए बच्चे, 2 बार। यदि मानव के शरीर में दांत 2 बार आते हैं तो आप लोग मुझे बताओ इसे हम साइंस में क्या बोलते हैं। तो 2 बार दांत आने को हम बोलते हैं 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 2 बार यदि दांत आ रहा है हमारे मुंह में तो इसे बोलते हैं डाइफायोडोंट, इसे बोला जाता है डाइफायोडोंट, इसे हम डाइफायोडोंट के नाम से बुलाते हैं, डाइफायोडोंट, ठीक है, इसे हम डाइफायोडोंट कहते हैं मेरे बच्चे। फिर उसके बाद यदि अगली बात मैं पूछूं कि मानव के मुंह में जो दांत हैं वो कैसे दांत हैं, तो बोलना सर विषम दंती दांत हैं। कैसे दांत हैं, विषम दंती, यानी अलग अलग, मैं यहां लिख देता हूं कि इसे बोल देते हैं हम कैसे, हिट्रोडोंट, 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 और एक होगा मोनोडोंट, एक हिट्रोडोंट एक होगा मोनोडोंट। हिट्रोडोंट का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के दांत, अलग अलग प्रकार के दांत, अलग अलग प्रकार के दांत। यदि हमारे मानव की बात करें तो मानव में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, और होमोडोंट का मतलब होता है एक ही प्रकार के दांत, एक ही प्रकार के दांत, एक ही प्रकार के दांत। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों कि मानव के शरीर में क्या सारे दांत एक ही टाइप के हैं, सर बिल्कुल नहीं, आपने बताया भी 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो मानव के दांत अलग अलग हैं, इसलिए मानव के दांतों को बोला जाता है हिट्रोडोंट। इसका एग्जांपल है ह्यूमन, इसका एग्जांपल है मानव प्रजाति, इसका एग्जांपल है मानव प्रजाति। लेकिन फिर सर होमोडोंट हम किसे बोलेंगे, तो बोलना सर यहाँ पे ध्यान से देखो मोनोडोंट, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब ऐसे व्यस्क, ऐसे जीव जिनके सारे दांत एक ही समान हैं। अब जिनके सारे दांत एक समान हैं वो एग्जांपल है फिश, या वो एग्जांपल है रैबिट, वो एग्जांपल है फिश, या वो एग्जांपल है रैबिट, आप फिश ही लिख लो भी। तो मछली के मुंह में सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं, और ऐसे जीव जिनके सारे दांत एक ही प्रकार के हो उसे बोला जाता है कैसा डोंट, मोनोडोंट। लेकिन यदि किसी के मुंह में दांत अलग अलग प्रकार के हैं तो उसे बोला जाएगा हिट्रोडोंट, उसे क्या बोला जाएगा बेटा, हिट्रोडोंट। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान ली होगी, ठीक है बेटा, तो इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। कुछ बातें और मैं बता देता हूं आप लोगों को जो याद रखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात यदि मैं यहां से बोलूं एक और, तो एक और बात हमारा ये बनता है कि आपने देखा होगा जो हाथी होता है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जो हाथी के 2 दांत सूंड के नीचे, सूंड के ऊपर होते हैं ना, नीचे सूंड और ऊपर 2 दांत निकले होते हैं, बताओ ये 2 दांत कौन से होते हैं। तो हाथी के जो 2 दांत हैं ये ऊपर वाले जबड़े से ये 2 दांत वही होते हैं जिसे हमने बोला है इनसीजर। तो याद रखना हाथी के 2 अपर, हाथी के 2 अपर जॉ में जो इनसीजर दांत होते हैं, इनसीजर दांत होते हैं, ये वही दांत होते हैं जो ऐसे हाथी का निकला हुआ होता है। ये जो 2 दांत होते बेटा हाथी के, ये 2 दांत यही होते हैं जो इंसीजर होता है, ठीक है।
तो ये जो दो दांत है हाथी के, वो ये वाले दो दांत है जिसे हम बोल देते हैं इंसीजर। लेकिन यदि मैं बात पूछूं कि जो शेर होता है, जो कार्निवर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस को खाते हैं, उनके दांत चीरफाड़ करने वाले होने चाहिए, शेर बिल्ली कुत्ता, शेर बिल्ली कुत्ता टाइगर, तो इन सभी के दांत जो होते हैं वो कैनाइन दांत का यूज ये सबसे ज्यादा करते हैं। किसका? कैनाइन, जिसे हमने रदनक का नाम दिया है। तो भाई एक बात मुझे बताओ आप सभी लोग, कि आपने देखा होगा कुत्ता जब किसी मांस को पकड़ता है या शेर जब किसी मांस को पकड़ता है, इसे चीर चीर के खाता है, तो वो किसका यूज करता है? इस कैनाइन का यूज करता है। तो जितने भी मांसाहारी होते हैं उन मांसाहारी के जो कैनाइन दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही पेने होते हैं, ताकि वो किसी दांत का कि वो उस दांत से किसी भी भोजन को बड़ी आसानी से चीर फाड़ सके और उसको खा सके। तो ये बात भी आपको शायद अच्छी तरीके से याद हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से दांत का हमारा मैक्सिमम पार्ट हो चुका है कंप्लीट। एक छोटी सी बात और यहां पर हम देखने वाले हैं केवल दांत से रिलेटेड। वो छोटी सी बात क्या है मेरे बच्चे, कि एक दांत और होता है जिसे बोलते हैं अकल के दांत। अब आपको पता है अकल के दांत कब आते हैं, किस एज में आते हैं और कितने होते हैं और ये कौन से टाइप के होते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम विस्डम, विस्डम टूथ, विस्डम टूथ, या इसे बोलते हैं अकल के दांत। अकल, अंकल मत लिख देना, अकल के, अकल के दांत। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस दांत से अकल का लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि ये दांत तब आएगा जब 18 प्लस एज के होंगे, जब आपकी उम्र 18 से प्लस होगी, जब आप अच्छे से व्यस्क हो जाएंगे तब आपके मुंह में ये दांत आते हैं। इन दांतों की संख्या है मेरे बच्चे 4, इन दांतों की संख्या है 4, और ये चारों के चारों दांत जो हैं ये मोलर दांत होते हैं, ये याद रख लेना, ये मोलर दांत होते हैं जिसे हमने बोला है चयवर्णक, जिसे हमने क्या बोला है चयवर्णक। शायद आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे आपके मुंह में भी 32 दांत नहीं होंगे। आप कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों के मुंह में, या आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आपके मुंह में 32 दांत है? मैं गारंटी लेता हूं आपके मुंह में 32 दांत नहीं होंगे, जरूर एक आध कम होंगे, हो सकता है एक आध कुछ हो, बट जो मैं बच्चों की बात कर रहा हूं तो सभी के मुंह में दांत नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये दांत विजडम टीथ तब आते हैं जब आप, आपने देखा होगा कि जब आप 20-22 की एज के थे और एकदम से आपको बुखार आ जाता है, आपके दांतों में दर्द आ जाता है, मसूड़े को फाड़ करके दांत निकलता है, तो वही होता है विजडम टीथ, यानी इसे हम बोल देते हैं कौन सा, अकल के दांत। बट मैं एक बार बता दूं, क्या जब ये अकल के दांत आपकी 20 की एज में आया तो 20 के पहले क्या आपका अकल नहीं था? क्या घास चरने चला गया था? कहते ना कि क्या तेरी अकल घास चरने चली गई है, तो कहना कि हाँ सर मेरी अकल घास चरने चली गई है, क्योंकि मेरी अकल के दांत नहीं आए, अकल के दांत तो मेरे 18 के बाद आएगी और तब अकल आएगा मेरे अंदर। तो भाई ये कहावत है कि तेरी अकल के दांत क्या घास चरने गए? बिल्कुल भाई, अकल के दांत घास ही चरने के लिए गए। तो ये बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अब ये अकल के दांत की क्या वाकई में जरूरत है ने? तो बोला सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या 18 की एज तक हम खाना नहीं खा पा रहे थे इन दांतों के होने से? तो बोला सर ये दांत आ भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इन दांतों का पहले कभी प्रयोग रहा होगा, लेकिन अब इन दांतों का प्रयोग ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये दांत हमारे शरीर में एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ, वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ, इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जिसको हमारे शरीर में है, कभी जरूरत रही होगी लेकिन अब उसका हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं है। ये अवशेषी अंग हमारे शरीर में 5 अभी भी मौजूद हैं, जिनकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में ये मौजूद है।
है, जिसमें सबसे पहला हमारा, मैं लिख देता हूं, विजडम टूथ, विजडम टूथ, अकल के दांत। जैसे मैंने आपको बताया, क्या इस दांत के ना होने से हमें अकल नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी भाई। तो अकल के दांत हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। दूसरी इसके बाद जो आती है वो बोलते हैं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का मतलब होता है कान का पिन्ना। ईयर पिन्ना का मतलब है कान का पिन्ना। अब कहोगे सर ये पिन्ना क्या है? तो कान का पिन्ना होता है ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना, ये साइंस का कहना है कि इसका भी हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कान यहां से स्टार्ट नहीं होता, हमारा कान यहां से स्टार्ट होता है यहां से। तो ये बाहर वाला चीज यदि कट भी जाए तो भी सुनाई देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये कान भी गायब हो जाए। अब बताओ यदि आपके दोनों कान ऊपर वाला भाग नहीं होगा तो कैसे लगोगे देखने में? एलियन लगोगे? लगोगे कि नहीं? लेकिन भाई जब सब लोगों के नहीं होंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यदि 10 के बीच में एक का ना हो तो लोग उसको चिढ़ाएंगे। तो ये आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी गायब हो जाए। इसके यदि अगले बात करूं, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर, शरीर के बाल, मैं सर के बाल की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर के बाल की बात कर रहा हूं। दोबारा सुन लो, मैं ये सर के बाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर का बाल का होना जरूरी है। ये सर का बाल आपके ये ब्रेन को, आपके ये हेड को एक सुरक्षा प्रदान करता है। मैं बात कर रहा हूं शरीर के बाल की। कभी शरीर के बाल की आवश्यकता हमारे शरीर को रही होगी, जब हम कपड़े नहीं पहनते थे तब हम अपने शरीर को ढकने के लिए इसका यूज करते थे। जानवर लोगों के अंदर जो बाल ज्यादा होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो जानवर पोलर रीजन पर रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र पर रहते हैं, उनके शरीर में मोटे मोटे बाल होते हैं, काफी भर घने बाल होते हैं, ताकि वो बाल उनके शरीर में कपड़े की तरह काम कर रहा है। हमने तो कपड़ा पहन के उनके शरीर को बचा लिया। और आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में यदि बाल आ भी जाता है तो लड़के तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन लड़कियां तुरंत उसे साफ कर देती है, बिल्कुल क्लीन स्वीप। तो बेटा हमारे शरीर में बाल है लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो हम इसको लगातार हटाते थोड़ी ना जाते, तो हम तो बालों को धीरे धीरे साफ कर दे रहे हैं। नंबर इसके बाद चार। नंबर यदि मैं चार की बात करता हूं तो नंबर चार में हमारा है बेटा अपेंडिक्स। कृमि रूप परिशोषिका, ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम नामक एक जगह पर होता है। जब मैं लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा तब मैं वहां आप लोगों को बताऊंगा। सीकम के अंदर ये अपेंडिक्स होता है। इस अपेंडिक्स की आवश्यकता हमें अब नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर पांच, टेल बोन। टेल बोन, पूछ वाली हड्डी, पूछ वाली हड्डी, पूछ वाली हड्डी। कहोगे सर क्या हमारे पीछे पूछ लगी थी? बिल्कुल भाई, जब हम पहले आदि मानव थे तब हमारे पीछे पूछ लगी थी, और उसका सबूत है। और उसका सबूत क्या है कि आपके पीछे की जो ये रीढ़ की हड्डी है, जहां पर जाकर के समाप्त होती है वहां देखना, ऐसे बाहर को निकली हुई एक हड्डी होगी, जिस हड्डी से ऐसा माना गया कि उससे कभी पूछ हमारी जुड़ी हुई थी, बट पूछ तो गायब हो गई, वो हड्डी अभी भी गायब नहीं हुई है, इसीलिए इसको बोला जाता है पूछ वाली हड्डी। तो ये पांच ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो हमारे शरीर में अभी भी मौजूद है, लेकिन इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसे पार्ट को हम बोल देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गेन। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं लास्ट में कुछ एक छोटा सा पॉइंट और समझने के लिए, जिसे समझना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है। यदि मैं दांत की बात कर रहा हूं तो दांत हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं, आप सभी बच्चों को पता है, ये हमारा है दांत, और इस दांत का ये जो है वो गम है यानी मसूड़ा है, और इस मसूड़े में आप सभी लोगों को पता है ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी ये रक्त वाहिकाएं होती है।
क्या चीज? रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे ब्रेन से होता है। दूसरी बात, इसके आंतरिक यदि मैं बाहरी भाग की बात करूं तो ये हमारे दांत का सबसे बाहरी भाग है जो बहुत ही चमकदार होता है, यानी एक शाइनिंग होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों का वो भाग जो चमकदार हुआ, जो शाइनी हमें प्रतीत होता है, बताओ जो शाइनी हमें चमकदार नजर आता है उस भाग को बोलते हैं इनेमल, उसे इनेमल बोलते हैं। और ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यहां तक कि याद रखना बच्चे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी या ऐसे भी पहले हो जाए, तो जब आपको जला दिया जाता है तो आपके शरीर की हड्डियां भी आधी जल जाती है, कुछ हड्डियां नहीं जलती, और बेसिकली आपके दांत कभी भी नहीं जलते, क्योंकि हमारा दांत का जो बाहरी पार्ट है, जो चमकदार वाला भाग है, वो इनेमल का बना होता है। और ये इनेमल किसका बना होता है? ये इनेमल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉस्फेट का एंड कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है हमारा दांत, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमारा ये दांत इतने मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ही मजबूत पदार्थ है, और इस कैल्शियम फॉस्फेट में हमारे जो टूथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, इस दांत में 0% पानी पाया जाता है। अब याद रख लेना, जिस भी मटेरियल के अंदर पानी की मात्रा नहीं होगी, वो सारे मटेरियल बहुत ही हार्डेस्ट, बहुत ही कठोर होंगे, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ से कुछ ऐसे नसें गई हुई होती है, ये कुछ नसें यहाँ से गई हुई होती है, जो नसों को बोलते हैं पल्प, इनको बोला जाता है बेटा पल्प। और ये पल्प डायरेक्ट हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ये बात भी याद रख लेना। तो इसी पल्प के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है दांतों के अंदर, और इसी पल्प के अंदर एक चीज की जाती है जिसे बोलते हैं RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब क्या होता है, हम खाना खाते हैं और हमारे दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद धीरे धीरे हमारे पल्प में चले जाता है, और धीरे धीरे वहाँ गंदगी इकट्ठा हो जाती है, सड़न इकट्ठा हो जाता है, सड़ना चालू हो जाता है, तब आपके दांतों को ये नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। और इन दांतों के सड़ने आने से जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है भैया आप RCT करा लो, आपके दांत का दर्द गायब हो जाएगा। तो दांत का दर्द कैसे गायब हो जाएगा? तो आपकी जो ये मैंने बताया पल्प वाली नसें हैं, इन नसों के अंदर सुई को चुबोया जाता है। किसको? सुई को चुबोया जाता है, जिससे सुई को चुबो चुबो के केमिकल डाल करके उन नसों को डेड कर देते हैं, ताकि उसके बाद हमें दर्द का एहसास ना हो, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगला टॉपिक रहेगा हमारा टंग यानी जीव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।